दोस्तों, अगर आप भी 2 मिनट में अपने पीले दांतों को सफेद बिल्कुल मोतियों जैसा चमकाना चाहते हैं तो आज का मेरा ये रेमेडी जरूर ट्राई करें। ये आपके दांतों का ना सिर्फ पीलापन दूर करेगा बल्कि अगर आपके दांतों में से खून आता है, आपके मुंह में से बदबू आती है तो ये सारी समस्याएं भी बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएंगी। इसके साथ साथ आपको जो ठंडा गर्म लगता है दांतों में वो लगना भी बंद हो जाएगा। तो देरी किस बात की, फटाफट से जानते हैं इस रेमेडी को बनाना कैसे है। लेकिन उससे पहले मैं आपसे कुछ इम्पोर्टेंट बातें शेयर करना चाहूंगी। देखिए, अगर हम किसी इंसान से बात करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हर कोई सबसे पहले घर से जब निकलता है तो ब्रश करे ना करे लेकिन अपने कपड़ों को, अपने जूतों को, अपने बालों को बहुत अच्छे से प्रेजेंटेबल बनाकर जाता है। लेकिन ऐसे में अगर आपके दांत पीले हों या उनमें से स्मेल आए तो सामने वाले पर इम्प्रेशन क्या जाएगा, आप खुद सोचिए। हम लोग सोचते हैं कि हम इतने अच्छे लग रहे हैं, थोड़े से दांत पीले ही तो हैं, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन जो सामने आपके बैठकर बात कर रहा है, आप किसी इंटरव्यू में गए हैं, अच्छी कंपनी में गए हैं या किसी से मिलने के लिए गए हैं नॉर्मली अपने फ्रेंड सर्कल में भी, तो भी आपका इम्प्रेशन बिल्कुल जीरो हो जाता है क्योंकि उसके अंदर एक छी वाली और एक घिन वाली फीलिंग आती है आपके पीले दांतों को देखकर कि यार कैसा बंदा है, अपने दांतों को साफ भी नहीं रख सकता। तो प्लीज, जब हम किसी से बात करते हैं तो उसकी हर एक चीज एकदम अच्छी होनी चाहिए। मैं भी ये चाहती हूँ कि आप लोग एकदम परफेक्ट और फाइन दिखें। अगर आप टॉप टू बॉटम अच्छे बन के जा रहे हैं तो आपके पीले दांत की जगह आपके सफेद दांत हो जाएं और जो आपको ठंडा गर्म लगता है वो भी ना लगे। लेकिन हम में से बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं, अपने दांतों के पीलेपन को दूर करने के लिए, अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए डेंटिस्ट के पास जाते हैं और डेंटिस्ट से अपने दांतों की सफाई करवाते हैं। आपको पता है, जब डेंटिस्ट हमारे दांतों पर वो मशीन चलाते हैं तो हमारे दांतों की ऊपरी परत जो हमारे दांतों को प्रोटेक्शन देती थी ठंडे और गर्म से, जो प्रोटेक्शन देती थी कि हम इजीली कोई भी चीज खाएं तो हमारे दांतों में से खून नहीं आएगा, वो परत, वो लेयर उस सफाई करने पर हट जाती है। आपके दांत वाइट तो रहते हैं लेकिन आपके दांतों में से खून आना, आपके कोई भी अगर आप चीज खाते हैं तो आपके दांतों में दर्द होना, ये सारी समस्याएं ठंडे गर्म की इतनी तेज लगने लगती है कि कोई लिमिट ही नहीं रह जाती। और आपकी जो जड़ें होती हैं दांतों के, मसूड़े जो होते हैं, वो दांत धीरे धीरे ढीले पड़ने लगते हैं, कमजोर होने लगते हैं क्योंकि आपने नॉर्मल परत जो भगवान ने बना के दी थी जिससे हमें ठंडा गर्म नहीं लगता था, हमारी सारी प्रॉब्लम हमें फेस नहीं करनी पड़ती थी, वो परत ही आपने हटवा दी, सफाई करवा दी, तो आपको ये सारी तकलीफें फेस करनी पड़ती है। तो इससे अच्छा है कि कोई भी डेंटिस्ट के पास जाने के बाद, पैसे खर्च करने के बाद भी आपको ये सारी तकलीफें हों तो क्या फायदा। अगर आप ये वाला नुस्खा आजमा लेंगे तो आपको कोई डेंटिस्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपके सफेद दांत आपको मिल पाएंगे। जिसके लिए आपने क्या करना है, 3 से 4 लहसुन की कलियां लेनी है, उनको ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंड करने के बाद उसमें ऐड करना है 1/2 नींबू का जूस, साथ में उसमें ऐड करना है थोड़ा सा अपना कोलगेट जो भी आप पेस्ट करते हैं वो, और साथ में हमें उसमें ऐड करना है चुटकी भर कस्तूरी हल्दी। इन सबको अच्छे से आप मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद अपने टूथब्रश से अपने दांतों पे अच्छे से ब्रश करिए। इस पेस्ट को आप सारे मुंह में अच्छे से लगाइए। ब्रश करने के बाद नॉर्मल पानी से या गर्म पानी से कुल्ला कर लीजिए। ऐसा आपको हफ्ते में 2 से 3 दफा करना है। आप खुद नोटिस करेंगे कि जो आपके पीले दांत थे वो बिल्कुल मोतियों जैसे चमक गए हैं। और मुझे इस रेमेडी पर इतना ज्यादा ट्रस्ट है क्योंकि मैंने खुद से यूज किया है और ये सारी प्रॉब्लम पहले मैंने फेस की हुई है, तो मैंने अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करा। तो प्लीज इस नुस्खे को जरूर आजमाएं, आपके पीले दांत भी ठीक हो जाएंगे, मोतियों जैसे चमक भी जाएंगे, आपको जो ठंडा गर्म की समस्या थी वो भी दूर हो जाएगी। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, अपना एक्सपीरियंस कमेंट के थ्रू और अपना प्यार जरूर जाहिर करिएगा। वीडियो को जमकर लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ऐसे ही हमेशा आपके लिए कुछ बेहतरीन लाती रहूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।